Impressive. Excellent work. Not a problem. Hey guys, आ चुके हैं वीडियो के साथ वापस। तो कैसे हो यार आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप इंडिया का ग्रेनेडियर और लॉन्ग शॉट टाइटल को इजी तरीके से कैसे ले सकते हो। गाइस बस एक छोटा सा ट्रिक है, उसे समझने के लिए वीडियो का एंड तक जरूर देखना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर से कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन ज़्यादा दूर नहीं है उसे भी प्रेस कर देना। अब बढ़ते हैं वीडियो के टॉपिक पे। तो सबसे पहले आपको टाइटल लेने के लिए आपको सीजन में आना पड़ेगा, उसके बाद रीजन में क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ग्रेनेडियर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको सारे ग्रेनेडियर दिख जाएंगे, आपको बस जाना है टॉप 100 में जो बंदा बैठा है उससे आपको ज़्यादा किल करना है। और जैसा कि आप देख सकते हो इस सीज़न मैंने कोई भी ग्रेनेड से किल नहीं किया है। इसी तरीके से लॉन्ग शॉट को भी आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना रहता है कि 300 मीटर दूर आपको किल करना रहता है। अब आप बोलोगे भाई ये तो बहुत ही टफ है, लेकिन भाई मैं अगर आपको बोलूँ कि ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, एक ट्रिक बता देता हूँ, इस ट्रिक से आप ईजी तरीके से ले सकते हो ये टाइटल। तो इस ट्रिक को जानने के लिए आप प्लीज़ वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, लाइक भी कर देना, और चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो अब बढ़ जाता है भाई ट्रिक की। आपको तीन टीममेट भाड़े पे ले लेना है, उसके बाद आपको लिविक सिलेक्ट करना है, और TPP के जगह आपको FPP सिलेक्ट करना है, जिससे आप KD रैंक वगैरह डाउन नहीं होगा। अब आप लोग बोलोगे भाई तू पागल हो गया है, क्या बकवास करे जा रहा है तब से, भाई हैकरों का टाइटल होता है ये दोनों, लॉन्ग शॉट तो 100% हैकरों का टाइटल होता है, और ग्रेनेडियर जो हैकर ESP यूज़ करते हैं उनको मिलता है। लेकिन भाई मैं बोलूँगा ऐसा नहीं है, मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूँ वो ट्रिक देख के आप लिटरली पागल हो जाने वाले हो। लेकिन पागल हो जाने से पहले वीडियो को ज़रूर से शेयर कर देना, ताकि बाकियों को भी पता चले इस ट्रिक के बारे में। और जितने भी टाइटल होल्डर आप देख रहे हो ना इंडिया के, ये सब ये ट्रिक अप्लाई करके टाइटल होल्ड करते हैं। तो भाई आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई तुमने लिविक मैप क्यों सिलेक्ट किया। एक्चुअली गाइस इस मैप में टाइम बहुत ही कम लगता है, इसीलिए मैंने इस मैप को सिलेक्ट किया। अब आप लोग ट्रिक को ध्यान से देखो, आपको लिविक मैप में एक सेफ जगह उतर जाना है जहाँ पे बंदे बिल्कुल भी नहीं आते। अब उतरने के बाद आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हो हम लोग यहाँ पे बिल्कुल सेव आ चुके हैं, जहाँ पे बॉट बंदे बिल्कुल भी नहीं आते। अब आपको क्या करना है कि आपके सारे टीममेट को कॉल दे देना है कि वो लोग ग्रेनेड ढूंढे। और जैसा कि आप देख सकते हो मेरे को यहाँ पे ग्रेनेड मिल चुका है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, अब मैं सारे टीममेट को एक जगह इकट्ठा होने को बोल दूंगा, जिससे मैं उनको नॉक कर पाऊँ। अब आप लोग बोलोगे भाई ग्रेनेडियर का टाइटल इन्हें नॉक करने से हमें कैसे मिल सकता है। गाइस यही तो ग्लिच है, और इसी ग्लिच का फ़ायदा उठा के आप ग्रेनेडियर का टाइटल और लॉन्ग शॉट का टाइटल इजी तरीके से अचीव कर सकते हो। तो गाइस आपको क्या करना है, ग्रेनेड से इनको नॉक करना है, और चाहो तो आप इसे फिनिश भी कर सकते हो दूसरे ग्रेनेड से, या फिर आप खुद भी उसी ग्रेनेड से फूट जाओ तो चार बंदे एक साथ मर जाएंगे। और अगर आप चाहते हो कि लॉन्ग शॉट का टाइटल लेना है तो आप 300 से 400 मीटर दूर इनसे चले जाओ, आपका किल यहाँ पर रजिस्टर हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर दिखाएगा नहीं क्योंकि ये आपके टीममेट्स है। और यही तो सबसे बड़ा ग्लिच है, और इसी ग्लिच को अप्लाई करके सारे बंदे यहाँ पे टाइटल होल्ड करते हैं और बड़े बड़े टाइटल इसी तरीके से लेते हैं। अब मैं यहाँ पे जाके मर जाऊँगा, उसके बाद आपको दिखाऊँगा कि ग्रेनेड का किल वहाँ पे रजिस्टर हुआ है या फिर नहीं। मतलब पहले जो आप लोगों को दिखाया था कि मैंने इस सीज़न ग्रेनेड से एक भी किल नहीं किया। तो आप लोग लाइव प्रूफ देखो, मैं वीडियो को बिल्कुल भी कट नहीं करूँगा, बस फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा ताकि आप लोगों को ट्रिक समझ में आ जाए, और आप लोग फेक ट्रिक बोल के कमेंट में गाली ना दो। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो मैं यहाँ पे सीजन में गया, और मेरा यहाँ पे लॉन्ग शॉट में एक भी किल रजिस्टर नहीं हुआ क्योंकि मैं अपने टीममेट से 300 मीटर दूर नहीं गया। लेकिन जैसे ही मैं ग्रेनेडियर में गया तो मेरे यहाँ पे 3 किल रजिस्टर हो चुका है। अब ऐसा भी हो सकता है इस ग्लिच को कभी भी फिक्स कर दिया जाए, तो भाई आप लोग ज़रूर से देख लेना एक बार। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लगे वीडियो जरूर से लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।